वेलकम टू विप्राज मैजिकल ब्लॉग। दोस्तों, आज इतने सारे नींबू को देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि आज भाई हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ नींबू का अचार, जो बहुत ही टेस्टी होता है और सभी लोग दलिया खिचड़ी के साथ स्पेशली खाना पसंद करते हैं। तो ये सारे जो नींबू हैं, मैंने उनको 2 से 3 बार बहुत अच्छे से धो लिया है और साफ कपड़े से इनको पोंछ पोंछ कर इस तरीके से मैं रख लूंगी ताकि अचार में बिल्कुल भी नींबू ना रहे। पानी की वजह से अचार खराब होने का डर रहता है और उसे हम लंबे समय तक प्रिजर्व करके नहीं रख पाते हैं। तो मेक श्योर कि हम जब नींबू साफ कर रहे हों तो उसमें पानी ना रहे, या जो भी हम यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं उनमें पानी ना हो। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने नींबू को अच्छे से पोंछ पोंछ कर रख लिया है। कितने साफ और सुंदर लग रहे हैं मेरे नींबू। अब हम इन नींबुओं को बड़े बर्तन में, बर्तन को भी एक अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ लीजिएगा, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। और इसमें हम 3 से 4 फांक में, 6 फांक में, जिस साइज का आप खाना पसंद करें उस साइज में सारे नींबू को कट कर लेंगे, कुछ इस तरह से। देखिए, नींबू का अचार स्पेशली खिचड़ी और दलिया के साथ तो बेहद अच्छा लगता है। ये देखिए, मसाला जीरा, अजवाइन, हींग, सफेद नमक, काला नमक, काली मिर्च और गरम मसाला। सिर्फ इन्हीं मसालों से हमारा नींबू का अचार बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। ये सारे नींबू मेरे काट लिए हैं मैंने, इसमें हींग डाली है, 2 बड़े चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच अजवाइन, 4 बड़े चम्मच इसमें नमक डालूंगी। नमक का आप अनुमान इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे ये हमारी आलू की सब्जी है और अब इसमें हम 3 चम्मच नमक हमारे लिए सफिशियंट होता, तो हम 1 चम्मच नमक एक्स्ट्रा ही डालते हैं ताकि हमारा जो अचार है वो अच्छे से प्रिजर्व रहे। मैंने 1 चम्मच इसमें काला नमक डाला है, 1 बड़ी चम्मच काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच के करीबन इसमें मैंने हल्दी मिलाई है। इस तरीके से आप सोचकर इसमें किसी भी अचार में नमक डालेंगे तो कभी भी आपका नमक कम नहीं होगा। इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी एक बड़ी स्पैचुला की सहायता से ताकि सारे मसाले सब में हो जाएं। ये मेरा कांच का एक बड़ा मर्तबान है, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से साफ कर लिया है और बाद में भी एक मैं प्लेन साफ टिश्यू पेपर की सहायता से इसको अच्छे से पोंछ लूंगी ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि इसमें जरा सा भी पानी नहीं है। इसको अच्छे से डीप क्लीन करके इसमें मैं सारा नींबू का अचार जो मैंने तैयार किया है वो भर लूंगी। नींबू का अचार बन तो बहुत जल्दी जाता है, पर इसे खाने के लिए तैयार होने में 15 से 20 दिन आराम से लग जाते हैं। और कहते हैं नींबू का अचार जितना भी पुराना होता है उतना ही उसका टेस्ट और बढ़ता जाता है। पर आप जब नींबू का अचार डालेंगे तो विद इन अ मंथ आप उसको खा सकते हैं, 1 महीने के अंदर नींबू अच्छे से गल जाता है। अब ये सारा मैं भरकर एयर टाइट कंटेनर में इसको 15 दिन के लिए रख दूंगी। डेली धूप दिखाऊंगी, अब जहाँ भी आपके घर में धूप आती हो 2 से 3 घंटे की धूप इसको दिखा सकते हैं, ना भी दिखा पाए तो कोई बात नहीं है। ये देखिए, कुछ 15 दिन के बाद मेरा अचार इस तरीके से लग रहा है। इसको मैं एक साफ स्पैचुला की सहायता से फिर से एक बार चलाऊंगी। ये जो अचार अभी बना है वो नमकीन अचार है, पर कुछ लोगों को जो नींबू का अचार है खट्टा मीठा पसंद है। मेरे यहाँ सबको खट्टा मीठा पसंद है, पर अगर आप नमकीन पसंद करते हैं तो आप इस टाइम पे अचार को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि एक नमकीन अचार रहे और एक मीठा अचार बन जाए। तो आप अपना जितना चाहते हैं वो नमकीन निकाल लीजिए, उसके बाद इसमें गुड़ और चीनी को मिला दीजिए। ये मेरे जैसे 2 किलो नींबू थे, इसमें मैंने आधा किलो गुड़ और 1 बाउल चीनी लिया है, जिसको मैं अब ऐड करके इसको अच्छे से मिला के रख दूंगी, जिससे मेरा खट्टा मीठा टैंगी टेस्ट वाला नींबू का अचार तैयार हो जाए। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखिए, इसको मैं बहुत अच्छे से मिलाकर ये रख दूंगी। 5 से 10 दिन आप फिर से इसे धूप में रखेंगे, ये आपका अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसको आप सालों के साल रख सकते हैं। नींबू का अचार कभी भी खराब नहीं होता और
डाइजेशन के लिए ये अचार सबसे बेस्ट होता है। जब भी मन करे आप खाएं। ये देखिए, ये मेरा लास्ट ईयर का अचार है जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ, जो तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगा। इंजॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।